कि नोड टू से जब हम नोड फोर पर जा रहे थे तो हमारा जो न्यू डिस्टेंस था वो कितना हो गया, 9, विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो हम अपडेट कर देंगे. नेक्स्ट अगर हम नोड थ्री के लिए देखेंगे तो जब टू से हम थ्री पर जा रहे हैं तो हमारा न्यू डिस्टेंस क्या होगा, 1 + 2 विच इज़ 3 एंड विच इज़ लेस देन द प्रीवियस डिस्टेंस विच वॉज 4, तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे. अब हम इन दोनों नोड में से देखेंगे कि जो शॉर्टेस्ट है उसके थ्रू हम फर्दर ट्रेवल्स करेंगे, तो नोड थ्री के थ्रू हम ट्रेवल करेंगे क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो नोड फोर से कम है, 3 and 4. एंड नोड थ्री से जब हम जाएंगे नोड फाइव पे तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6, तो हम इसको अपडेट कर देंगे. अब नोड फाइव से हम नोड फोर पे भी जा सकते हैं एंड नोड सिक्स पे भी हम जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके न्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. नोड फाइव से जब हम फोर पर जाएंगे तो हमने देखा हमारा न्यू डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 + 2 = 8 एंड विच इज़ लेस देन द प्रीवियस डिस्टेंस विच वॉज दी 9, तो हम क्या करेंगे, नोड फोर का डिस्टेंस अपडेट कर देंगे. एंड अब हम नोड सिक्स के लिए देखेंगे तो नोड सिक्स के लिए अपना डिस्टेंस कितना जाएगा, 6 + 5 = 11 एंड विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे 11 से. नेक्स्ट जब हमने देखा कि हम नोड फोर से जब सिक्स पर डायरेक्टली जाएंगे तो क्या होगा, हमारा न्यू डिस्टेंस कितना आ रहा है, 8 + 1 = 9 एंड विच इज़ लेस देन दी प्रीवियस डिस्टेंस विच वॉज 11, तो हमें क्या करना है, इस पूरे में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हमेशा कंसिडर करना है, तो इसका नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9. तो फाइनली हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, 1 से पहले हम 2 पे गए, उसके बाद 3 पे गए, फिर 5 पे एंड देन 4 पे एंड सो ऑन. तो डिकस्ट्रा एल्गोरिथम क्या करता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है. इस ऐसे ही हम बाकी फिगर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. आज की स्लाइड में इतना ही, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे.